पर किसी का स्टेटस देखते हैं और आपको उसका स्टेटस पसंद आ जाता है और आप उस स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका एमआई का, रियलमी का या कोई नया फ़ोन है, तो कई फ़ोनों में अब यहाँ पर ये सिस्टम आ गया है कि यहीं पर व्हाट्सएप लिख कर आ जाता है। आप सिंपल इस पर क्लिक करके यहाँ पर किसी का भी स्टेटस देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कई फ़ोनों में ये फ़ीचर नहीं होता है, तो उनके लिए मैं सभी फ़ोनों के लिए जो सूटेबल है वो फ़ीचर बता देता हूँ। उसके लिए आप अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर में इंटरनल स्टोरेज में जाइए, ये सभी फ़ोनों में आ जाता है। उसके बाद सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ पर शो पर क्लिक करके शो हिडन फाइल्स पर क्लिक कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर सर्च कीजिए, डॉट लिखिए, उसके आगे स्टेटस लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट स्टेटस करके एक ऑप्शन आपके आगे आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके व्हाट्सएप पर जितने भी स्टेटस दिख रहे थे वो सभी यहाँ पर भी दिखने लगे हैं। इनमें से जिस भी स्टेटस को आप डाउनलोड करना चाहें उस पर बस लॉन्ग प्रेस कीजिए, फिर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, फिर इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर माई एल्बम्स या डाउनलोड जिस भी फोल्डर में आप फोटो को सेव करना चाहें उस फोल्डर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। इससे सिंपली व्हाट्सएप का आपका स्टेटस आपके फ़ोन की गैलरी में आ जाएगा।